हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कार्तिक आर्यन, भूमि पड़नेकर और अनन्या पांडे की फिल्म पति पत्नी और वो बॉक्स ऑफिस पर जब से रिलीज हुई है तभी से धूम मचा रही है। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी पति पत्नी और वो ने कमाई के मामले में तो अच्छा परफॉर्म किया है, वही ये फिल्म दर्शकों को एंटरटेन करने में भी कामयाब रही। फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक दोनों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन ने चिंटू त्यागी का, भूमि पड़नेकर ने उनकी पत्नी का और अनन्या पांडे ने उनकी सेक्रेटरी का रोल निभाया है। तीनों स्टार्स ने अपने अपने किरदारों में कमाल कर दिया है। वहीं अब लीजिए फिल्म के कुछ फनी डायलॉग्स, लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। यूं कहें कि ये डायलॉग्स लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो चलिए, इंतजार किस बात का, आज हम अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे आपको फिल्म पति पत्नी और वो के फनी डायलॉग्स के बारे में। जिंदगी में एक होती है हकीकत और एक होती है कपोल कल्पना। पति पत्नी और वो के खेले में वो तो साला उस गैप का नाम है जो पति और पत्नी अपने बीच में आ जाने देते हैं खुद ही। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर उत्तर प्रदेश में ना मिले। नो बट नो वाई, फ्री फ्री बर्ड एंड ब्लू ब्लू स्काई। तुम जो करते हो उस पे प्यार आता है और जो नहीं करते उस पे ज्यादा प्यार आता है। जैसी काली रात में खिल उठता है चांद, इन माई क्लासेस यू आर द बेस्ट टीचर ऑन डिमांड। फिर कभी किसी ने आपकी हंसी की तारीफ की तो सोचिएगा ये हंसी आपके चेहरे पे है किस वजह से। तो ये थे फिल्म पति पत्नी और वो के कुछ फनी डायलॉग जो जरूर आपको पसंद आए होंगे। बता दें कि हाल ही में फिल्म विवादों में फंस गई थी और इसकी वजह थी फिल्म का एक डायलॉग। दरअसल फिल्म में चिंटू यानी कार्तिक का एक डायलॉग है जिसमें वो पत्नी संग फिजिकल रिलेशन के बारे में बात कर रही है, जो कि जनता को रास नहीं आया और ट्विटर पर इस डायलॉग को लेकर लोगों ने खूब नाराजगी भी जताई। लोगों का कहना है कि मैरिटल रेप कोई मजाक की बात नहीं है। बता दें कि इस फिल्म का बजट 30 करोड़ रुपए है जिसकी लागत ये फिल्म महज 3 दिनों में ही वसूल चुकी है। बात करें कार्तिक आर्यन की तो इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर उनका दबदबा देखने को मिल रहा है। इस साल की शुरुआत में रिलीज हुई उनकी फिल्म लुका छुपी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिल्म में वो कृति सनन के साथ नजर आए थे। वहीं उनकी फिल्म पति पत्नी और वो भी लोगों को पसंद आ रही है। इसके अलावा उनके पास सारा अली खान के साथ इम्तियाज अली की फिल्म है जो अगले साल वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होगी। इसके अलावा वो कियारा आडवाणी के साथ फिल्म भूल भुलैया 2 में भी नजर आएंगे जो कि अगले साल 31 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे आपको फिल्म पति पत्नी और वो के डायलॉग्स कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।